भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है। कैलाश मानसरोवर यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जहां की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर मिलती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव, दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 1500 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 9वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारिपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट एलियन स्पेशियल मैगजीन के दूत पॉसन 4 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारिपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। यहाँ 2 सरोवर मुख्य है। मानस सरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। यह दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यदि मानव रहता है, कोई इसे पूरा भालू खाता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव, यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निर्नर्थक मानव मानते हैं। विश्वभर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। आपको शायद इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है कि हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर आज भी भगवान शिव अपने परिवार यानी माता पार्वती, भगवान गणपति, भगवान कार्तिकेय के साथ रहते हैं। इतिहास के अनुसार तिब्बती बौद्ध योगी मिलारिपा एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे जो कैलाश पर्वत पर मौजूद रहस्यमयी शक्तियों को हराकर उस स्थान तक पहुंच पाए थे, जिस बिंदु पर आकार धरती और आकाश का मेल होता है, जहां ये अलौकिक शक्तियां प्रवाहित होती हैं, उस स्थान को कैलाश पर्वत कहा जाता है। कैलाश के उस स्थान तक अगर कोई पहुँच जाए जिसके बारे में कहा जाता है वहाँ ये शक्तियाँ होती है, तो कोई भी साधारण मनुष्य उनका अनुभव कर सकता है। ऊंचाई के मामले में कैलाश पर्वत विश्व विख्यात माउंट एवरेस्ट से ज्यादा विशाल तो नहीं है, लेकिन कैलाश की भव्यता उसके आकार में है। ध्यान से देखने पर यह पर्वत शिवलिंग के आकार का लगता है जो पूरे साल बर्फ की चादर ओढ़े रहता है। मान्यता तो यह भी है कि जो भी व्यक्ति मात्र एक बार मानस सरोवर में डुबकी लगा ले तो उसे रुद्रलोक यानी शिव के लोक के दर्शन हो जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।